नमस्कार, एमएचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। कहने को लोग दूर दूर से हिंदुस्तान के कोने कोने से गर्मी से निजात पाने के लिए उस राज्य में आते हैं, लेकिन जब बात सियासत की गर्मी की होती है तो ये छोटा सा राज्य किसी दूसरे राज्य से कमतर नजर नहीं आता। लेकिन इस राज्य की सियासत यानी हिमाचल प्रदेश की सियासत का जिक्र एक नाम के बगैर अधूरा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फूड ट्रांसपोर्ट टेक्निकल एजुकेशन सिविल सप्लाई मिनिस्टर श्री जी एस बाली जी। बाली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएचआर न्यूज। धन्यवाद सर जी। सर, इतने ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, नाम याद करते करते हमें परेशानी हो गई, काम करते करते तमाम चीजों को संभालते हुए आपको परेशानी नहीं होती? देखिए, ये हिमाचल की जनता की, सोनिया जी की, कांग्रेस पार्टी की और माँ चमंडा की कृपा है कि जो डिपार्टमेंट मुझे दिए गए उसको मैं प्रयास करता हूँ कि बखूबी जितनी मेरे में शक्ति है वो ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ पूरी मेहनत के साथ लोगों की सेवा की जाए। और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब ये फैसला लिया कि भी श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार में मुझे मंत्री बनना है और उनके मंत्रिमंडल में ये महकमे माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मुझे दिए, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि उसको पूरी तरह से मैं निभाऊँ। और ये ट्रांसपोर्ट का महकमा तो पहले भी मेरे पास सन 2003 में जो टर्म थी 3 से 8 तक की उसमें था और उसमें काफ़ी चैलेंजिंग महकमे जो हैं, चुनौती भरे हुए, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, ये आम नागरिक के साथ जुड़े हुए महकमे हैं और इसमें गरीब जनता की सेवा हो सके, घर घर तक ट्रांसपोर्ट का और कोई साधन नहीं है हिमाचल प्रदेश में, ना रेल है ना हवाई यात्रा। हवाई यात्रा सिर्फ कांगड़ा, कुल्लू और शिमला को छोड़ के और कई छोटे छोटे शहर और कस्बे जो हैं वो इससे जुड़े नहीं हैं। तो प्रयास यही रहता है कि ये HRTC जो है, सरकारी या प्राइवेट बस, लोगों को गाँव से लेके उनके काम करने के स्थान तक, उनकी स्वास्थ्य सेवा के लिए, उनके रोजमर्रा के काम के लिए वो आए और उसके लिए काम हो। बिल्कुल, सेवा करने का प्रयास है, आलाकमान आप पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अलावा अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर और डाली जाती है तो क्या संभालने के लिए तैयार है? देखिए, मैंने कई बार कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है और जब मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था तब भी यही बात थी कि आज समय वो है कि बहुत सारे लोग, राजनेता काम करते हैं मगर उसमें से मैं जो काम करता हूँ मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं ज़्यादातर काम करता हूँ CEO की तरह कि डिलीवरी सिस्टम में आपको ऐसा लगे जो अंतिम व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने मुझे इस कुर्सी पे भेजा है बना करके, जो मैं फैसले लूँ उसके हक के हों और जो पात्र है उसे लिया जाए और जो जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाए। बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री मंत्री पद की बात हो रही थी, हिमाचल प्रदेश को एक नया उप मुख्यमंत्री मिलने वाला, इस बारे में बात हो रही थी, क्या इस बारे में आला कमान ने आपसे कभी कोई बात की? देखिए, ऐसा है कि ये बातें अखबारों में आ रही हैं और मीडिया पे कई बार ये सवाल मेरे से भी पूछे जा चुके हैं, मगर एक बात मैंने बार बार स्पष्ट की है कि जब ये बात उठी और BJP के जो मेंबरान थे उन्होंने ये बात असेंबली में उठाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसका जवाब दे दिया कि उप मुख्यमंत्री की कोई चर्चा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये उन्होंने जवाब दे दिया तो उसके बाद इसके ऊपर चर्चा का या कमेंट्स का कोई स्कोप नहीं बचता है। और जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे लेकर के, मैंने कहा कि मैं ना तो कभी मिनिस्ट्री के लिए लॉबिंग करने गया, ना कभी किसी और पद के लिए लॉबिंग करने जाऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप अपना कर्म करते हैं, अपना कर्म करते रहना चाहिए,
तो मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। बिल्कुल, आप लॉबिंग करने कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश आने वाली हैं, आपकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हिमाचल प्रदेश आने वाली हैं, कुल्लू आएंगी शायद, आपने कांगड़ा भी उनको इनवाइट किया है। देखिए, मैं कांगड़ा मैं उनसे मिला था, मेरे ख्याल में 1.5-1 महीने की बात है, मैं मिला था, तो मैंने गुजारिश की थी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। कांगड़ा बहुत बड़ा ज़िला है और कांगड़ा ज़िला जब पंजाब से अलग होके आया तो प्रैक्टिकली हिमाचल का आधा हिस्सा कांगड़ा ज़िला में ही पड़ता था, उसे 5 जिले बन गए ओवर दैट पीरियड, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर। तो कांगड़ा ज़िला आज भी पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर और अदरवाइज महत्वपूर्ण ज़िला है, और उस ज़िले में एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट आ रहा है और राजीव गांधी जी के नाम पे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे उनके नाम के ऊपर मैंने उनका कॉलेज का नाम रखा है, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। और वो एरिया जहाँ से मैं आता हूँ वो ओबीसी डोमिनेटेड एरिया है, और मेरा ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो मुझे जिता करके लगातार भेजते हैं, तो एक मेरी भी ड्यूटी बनती है कि उन लोगों की सेवा पूरे ढंग से करूं। तो वहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है उसके उद्घाटन के लिए मैंने उनसे गुजारिश की थी और उन्होंने सैद्धांतिक रूप से मेरे से कहा था कि जैसे आपकी डेट हो आप मुझे बताइएगा और मैं आऊँगी। तो उसके बाद वो इनविटेशन जो है हमने मैंने अभी कुछ दिन पहले उनको भेजा है, तो जैसे उनका जवाब आ जाएगा इनविटेशन का, तो कांगड़ा तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई बार आई हैं, कई बार ऐसे समय में आए हैं जब हम लोग पावर सत्ता में नहीं थे तब भी आए हैं, जब सत्ता में थे तब भी आए हैं, तो वो आएंगे और आकर के उसका उद्घाटन करें, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और कुल्लू में आए तब भी प्रसन्नता है, कुल्लू में आए तो कुल्लू भी अपना है, कुल्लू भी कांगड़ा जिले से बना हुआ एक जिला है, तो जहाँ भी आएंगी कांग्रेस अध्यक्षा है उनका भरपूर स्वागत होगा। और जब कांगड़ा आएंगे तो एक ऐतिहासिक रैली जो है उनके लिए की जाएगी और एयरपोर्ट से लेकर के जहाँ तक वो जाएंगी वहाँ तक सड़क के किनारे आपको व्यक्ति व्यक्ति मिलेंगे, लोग मिलेंगे, जनसमूह मिलेगा, और आपको मैं अभी इनवाइट करता हूँ कि आप उस समय आना और देखना कि वहाँ पर अगर मैडम आए तो लोग भी वहाँ उतनी तादाद से आएंगे, क्योंकि स्नेह है इस परिवार के प्रति, लोगों में स्नेह है, क्यों हिमाचल को बनाना इसी परिवार की देन है। तो हिमाचल, हम लोग तो पंजाब से इधर को आए, तो हिमाचल जब बना है इतना खूबसूरत हिमाचल बना है, इस परिवार की पूरी कंट्रीब्यूशन है। और मैं कई बार कहता हूँ एक ही परिवार है राजनीति में जिसने दो दो प्रधानमंत्री इस देश के लिए खोए हैं, घर के, अगर घर के किसी का एक बच्चा खो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, ये तो दो दो प्रधानमंत्री जो हैं इस परिवार ने खोए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कांगड़ा सोनिया गांधी जी को बुलाने के पीछे ये भी मंशा, सर आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे, एक शक्ति प्रदर्शन होगा कि कितना रसूख है, कितने बड़े मास लीडर आप हैं। देखिए, शक्ति प्रदर्शन की बात ही नहीं है, शक्ति प्रदर्शन किसके सामने, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे जानते हैं, मैं AICC का इलेक्टेड मेंबर हूँ कई वर्षों से, तो ये शक्ति प्रदर्शन वहाँ होता है जहाँ दूसरे कोई विचारधारा हो, ये अपने लोग होंगे और शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। और मैंने ये कहा है कि ऐतिहासिक होगी, मैंने ये कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो है वो मैं रैली करूँगा, तो उसके लिए प्रयास है कि मेरे मन से है कि जब सोनिया जी आए, और मैं तो राहुल जी को भी इनवाइट करूँगा उस फंक्शन के लिए, अभी तक बात हुई नहीं है, मैं उनको भी मिलूँगा, तो जब हमारे नेता आएंगे घर में, परिवार में कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके लिए स्वागत की तैयारी की जाती है और स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा। बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद GS बाली साहब से जानेंगे कैसे हैं CM वीरभद्र सिंह के साथ उनके रिश्ते।